हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कंचन और मेरे भाई का नाम है सौरभ और यह है हमारा यूट्यूब चैनल कौशल फैमिली ब्लॉग्स। सो अभी चल रहे हैं नवरात्रे, तो हमारी ओर से आप सभी को नवरात्रे की बहुत ही शुभकामनाएं। और जो जो लोग व्रत रख रहे हैं, आई होप आपके व्रत अच्छे जाए और आप अच्छी तरह से व्रत को पूरा कर सकें। और क्योंकि मैं भी व्रत रख रही हूँ, मेरा मन है आज, अभी मैंने काम छोड़ा है और अभी मेरा मन है इंडियन ग्रोसरी स्टोर में जाने का, क्योंकि मैंने सुना है पहले भी कि व्रत के चावल होते हैं। मैंने कभी खरीदे नहीं, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है। अब दो तीन दिन हो गए आलू खाते हुए, नहीं आलू भी मैंने खाया, साग भी बनाया, पनीर भी खाया, लेकिन अब थोड़ा सा वो रोटी वाली फीलिंग थोड़ी मिस हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाऊँ और देखूँ कि अगर मुझे वो व्रत वाले चावल मिल जाए तो फिर हाँ, अगर मिल गए तो वीकेंड पर शाही पनीर और चावल बनेंगे। चलो फिर आपको भी लेकर जाती हूँ साथ ही साथ इंडियन ग्रोसरी स्टोर में और फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। सो गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। मैं ना जब भी अकेली सिटी में आती हूँ ना, तो मुझे पार्किंग की बहुत टेंशन होती है। पहली चीज़ तो कि पार्किंग मिलेगी या नहीं, और दूसरा सवाल होता है कि मुझसे गाड़ी पार्क होगी या नहीं, क्योंकि मेरे जो पार्किंग स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बट ऑल वेल, गाड़ी पार्क कर दी है, ना किसी की गाड़ी ठोकी ना अपनी ठोकी, सब कुछ अच्छा हो गया। अभी मैं जा रही हूँ इंडियन ग्रोसरी स्टोर और जिस पार्क हाउस में मैंने गाड़ी पार्क की है, यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स हैं। सो वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शॉप्स को देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, या फिर करना चाह रही हूँ, करने का मन हो रहा है। बट पहले, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो करते हैं और इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉप अंदर से दिखाती हूँ। दाल चावल मसाले के साथ साथ आपको इधर बर्तन भी मिल जाएंगे, मिक्सर भी है, रोटी के बॉक्स भी हैं, सभी कुछ है। पूरा इंडिया वाली फीलिंग है। बस इधर फ्रैंक पे करने पड़ते हैं और ना कि रुपए। थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे ये जो कुट्टू का आटा है और ये जो व्रत वाले चावल है मिल गए, तो मैंने दोनों ही चीज़ें ले ली। इंडियन शॉप से मैंने ग्रोसरी ले ली है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। मुझे मिला कुट्टू का आटा और व्रत वाले चावल। कुट्टू का आटा जो है वो मैंने एक बार पहले भी ख़रीदा था। मुझे उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि आप रोटी बना नहीं सकते, आपको उसकी या फिर तो पूरी बनानी पड़ेगी या फिर तो परौंठा। और ये जो चावल हैं व्रत वाले, ये चावल वाला टेक्सचर तो इनका लग नहीं रहा, ज़्यादा कुसकुस वाला लग रहा है। बट नो प्रॉब्लम, मैं ट्राई करूँगी घर पर कैसे बनता है, कैसा टेस्ट आता है। तो जब मैं पे कर रही थी तब मुझे ये दिखा माजा, तो इधर भी कभी कभी माजा मिल जाता है। और जब मैंने इसे देखा तो मैंने कहा चलो आप भी साथ ही आ जाओ जाग पे। तो हाँ, अब मैं जा रही हूँ एक दो स्टोर्स में, बाद में मुझे जाना है चॉकलेट लेने। हाँ, चॉकलेट लेनी है, देखते हैं अगर स्टोर में कुछ पसंद आया तो वो भी ले लेंगे, नहीं आया तो भी ठीक है, और फिर चलते हैं घर। वापस अपनी कार में और जा रही हूँ घर। कपड़ों की दुकान, मैं दो स्टोर्स में गई थी और मुझे दोनों में कुछ भी पसंद नहीं आया। सो एक तरह का चलो फायदा ही हुआ, पैसे ऐसे बर्बाद नहीं किए मैंने, क्योंकि मुझे कुछ स्पेशली पसंद नहीं आया। अब मैं जाऊँगी घर,
घर जाने से पहले पहले मुझे पहले नोटिफिकेशन आई थी, मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था तो मेरा पार्सल आ गया है। घर जाने से पहले पहले पार्सल को पिक करूंगी और फिर जाऊंगी घर। जब मैं नवरात्रि के व्रत रखती हूँ ना तो मुझे शौक बहुत होता है, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाती हूँ, अन तो खा ही नहीं सकते आप, लेकिन आलू जो भी मैं खाती हूँ एक टाइम खाती हूँ, तो नवरात्रि के टाइम मुझे अपनी एनर्जी थोड़ी सी लो लगती है। तो हाँ, अब मेरा यहाँ कितना बजे, 5 से ऊपर टाइम हो गया है, तो अब मुझे हौली हौली थोड़ा सा फील हो रहा है कि अब हाँ घर जाके रेस्ट करती हूँ। तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले हफ्ते एक न्यू व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि।